दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले हम राजस्थान से शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। तो राजस्थान में हमारे हैं 3 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। एक तो है केवला देव, दूसरा है रणथंभौर और तीसरा है मुकुंद्रा हिल से प्यारे दोस्तों। तब ध्यान रखिएगा, राजस्थान से हमारे केवला देव है, रणथंभौर है, और केवला देव, रणथंभौर और मुकुंद्रा हिल से प्यारे दोस्तों। उसके बाद राजस्थान के बाद आता है प्यारे दोस्तों गुजरात, हमारे आता है दोस्तों गुजरात। गुजरात के बारे में कुछ याद आ रहा है प्यारे दोस्तों? गुजराती दिमाग हमारे इंडिया में दो आ चुके हैं प्यारे दोस्तों। एक तो आ चुके हैं नरेंद्र मोदी और दूसरा हमारे आ चुके हैं अमित जी। प्यारे दोस्तों, गुजरात में 2 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और एक तो है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। तब ध्यान रखिएगा दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और एक तो हमारे हैं ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे नीचे बढ़ते हैं तो रहती है हमारे महाराष्ट्र प्यारे दोस्तों। महाराष्ट्र में हमारे एक राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। तब ध्यान रखिएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, एकदम इतना अपने आप से प्राण ले लेना है प्यारे दोस्तों कि आज ही इस राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ रहे हैं तो आज ही इसको याद करके खत्म कर देंगे, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े प्यारे दोस्तों। नहीं तो इसी में आप लग रहोगे तो पता चलेगा कि प्रतिस्पर्धा वाले दौर में आप एक ही टॉपिक में लगे रहें और बाकी लोग आगे भाग चुके हैं प्यारे दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा वाले दौर में हमें एक टॉपिक को उतने टाइम देने चाहिए जितना देनी चाहिए, उसी में लगन नहीं रहना चाहिए प्यारे दोस्तों। चलिए हम देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक वही जो नाटक करता है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। एक तो है नागर होल प्यारे दोस्तों, एक नागर होल राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और एक तो है बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, एक तो है हमारे है बांदीपुर प्यारे दोस्तों। 3 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और बांदीपुर प्यारे दोस्तों। तो 3 है, नागर होल, बन्नेर घाट और बांदीपुर। नागर होल, बन्नेर घाट और बांदीपुर। नागर होल, बन्नेर घाट और बांदीपुर है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे आते हैं केरल प्यारे दोस्तों। केरल में 2 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, एराविकुलम नेशनल पार्क, और एक तो हमारे हैं साइलेंट वैली है। 2 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। एक तो है एरा एरा वैली एरा वील एरा वी एरावी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और एक तो है साइलेंट वैली एराविकुलम ने राष्ट्रीय उद्यान, और एक तो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारी आती है प्यारे दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु कुछ इस तरह से दिखता है तमिलनाडु प्यारे दोस्तों। तमिलनाडु में 3 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। एक तो है मुदुमलाई, एक तो है मुकुर्दी, और दूसरा मन्नार की खाड़ी प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुदुमलाई मुकुर्दी और मन्नार की खाड़ी प्यारे दोस्तों। उसके बाद आ जाती है हमारी उड़ीसा के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हमारे आती है आंध्र प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद आती है हमारे प्यारे दोस्तों ओडिशा। ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, भितरकनिका और सिमली पार्क है प्यारे दोस्तों। ओडिशा जहाँ के हमारे वो हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है, वो द्रौपदी मुर्मू जो कि 15वें राष्ट्रपति हमारे हैं प्यारे दोस्तों। तो अब ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, ओडिशा में आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं प्यारे दोस्तों, भितरकनिका और सिमली पार्क है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे जो आते हैं प्यारे दोस्तों दीदी। दीदी कहाँ के? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के प्यारे दोस्तों दीदी। तो पश्चिम बंगाल में 2 है, एक तो है जल्दपराग और दूसरा हमारे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, दीदी के यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है जल्दपराग और दूसरा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे आ जाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं,
यहाँ पर आए थे मेघालय, मेघालय दोस्तों, मेघालय में, मेघालय में दो, मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्तों, नॉक क्रैक। क्या हमारे यहाँ नॉक क्रैक है मेरे प्यारे दोस्तों? मेघालय में आपके है प्यारे दोस्तों नोक 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 क्रैकर है, नोक क्रैकर है प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों हम इसको मिटा कर दोबारा इसको देखते नहीं प्यारे दोस्तों, नहीं तो एक ही गो में सबको अटैच कर देंगे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, घिच पिच हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसको मिटा कर नेक्स्ट मैप को तैयार करके उसमें आपको दिखाते हैं। अब मेघालय तक हमारे हो गए प्यारे दोस्तों, आगे हमारे प्यारे दोस्तों हम यहाँ तक आ चुके थे प्यारे दोस्तों, मेघालय तक हम लोग आ चुके थे प्यारे दोस्तों। मेघालय में हमारा था क्रैक, नोक क्रैकर है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं प्यारे दोस्तों, मणिपुर आ जाते हैं। मणिपुर में कौन सा आता है प्यारे दोस्तों? काबुल लाम नाउ, काबुल कौन सा हमारे है मणिपुर में? काबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों, काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क के प्यारे दोस्तों। मणिपुर में कौन सा हमारे है? काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क के प्यारे दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, मणिपुर में काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क के प्यारे दोस्तों। मणिपुर में आपको कौन सा है? काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क, काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क, मतलब इससे बाहर जाओ, तो काबुल नाम जाओ नेशनल पार्क के प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्यारे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं प्यारे दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन सा है प्यारे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन सा है प्यारे दोस्तों? नाम दफा नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में आपको कौन सा है प्यारे दोस्तों? नाम दफा नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्यारे दोस्तों आसाम, असम आते हैं प्यारे दोस्तों। असम में कौन कौन है प्यारे दोस्तों? एक तो है मानस नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों, और एक हमारे है काजीरंगा नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों और याद कर लीजिए प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बाम दफा नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश में मानस नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों, और काजीरंगा नेशनल पार्क प्यारे दोस्तों। और मणिपुर में मैंने आपको बताएंगे प्यारे दोस्तों काबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों। उसके बाद इनसे हम आगे निकलते हैं प्यारे दोस्तों, हमारा देश सिक्किम, सिक्किम में प्यारे दोस्तों एक ही सिर्फ उद्यान है प्यारे दोस्तों, कंचनजंगा नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों। सिक्किम में कौन है प्यारे दोस्तों? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारा देश बिहार, अपना बिहार है प्यारे दोस्तों, अपना बिहार में सिर्फ एक ही है प्यारे दोस्तों, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा बिहार में सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारी आ जाती है यूपी, यूपी के बारे में तो आप जानते ही दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा आबादी है प्यारे दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ 20 करोड़ आबादी है। और सबसे अजीब वाली बात यह है प्यारे दोस्तों कि 20 करोड़ आबादी रहने के बावजूद भी वहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्यारे दोस्तों वो है योगी आदित्यनाथ है प्यारे दोस्तों, संत साधु है प्यारे दोस्तों वहाँ के आबादी, तो आप समझ ही सकते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे यूपी में हमारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों? वो हमारे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे आ जाता है प्यारे दोस्तों उत्तराखंड, यानी यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे जो है प्यारे दोस्तों वो 3 राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और राजा जी नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों। इसी यूके में ही अहमदाबाद में आया था, लगता है कौन आया था हमारे कौन आया था हमारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आया था, लगता है नरेंद्र मोदी आया था प्यारे दोस्तों। और पता है आपको प्यारे दोस्तों, जहां पे मोदी जाता है वहां पे कुछ ना कुछ स्पेशल कर देता है प्यारे दोस्तों। तो जिम कॉर्बेट जो है वहां का राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे आया था विश्व का चौधरी आया था प्रिंस, जो कि मोदी बोला आए थे, वो कौन आया था प्यारे दोस्त? नीचे कमेंट जरूर करना कौन आया था प्यारे दोस्त। पेट्रोल पंप आया था प्यारे दोस्तों, पेट्रोल पंप वही डोनाल्ड ट्रंप आया था प्यारे दोस्तों, विश्व की चौधरी। और आते ही बोला था प्यारे दोस्तों मोदी, मोदी जैसे ही बोला प्यारे दोस्तों, जैसे ही अहमदाबाद वाले
पूरा एकदम चिल्लाने लगे प्यारे दोस्तों, और बोलने लगे अब की बार, जो कि आप समझ ही चुके हैं प्यारे दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे जिम कॉर्बेट है प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान प्यारे दोस्तों, उसके बाद दूसरा हमारे है फूलों की घाटी प्यारे दोस्तों, और एक हमारे हैं राजा जी नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों, राजा जी नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों, जिसमें राजगोपाल जो कि राजगोपालचारी के नाम पे ही है प्यारे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आमिर खान वाला बॉलीवुड वाला, वो आमिर खान वाला जो होती है ना आमिर खान वाला, इसी में एक फिल्म का शूटिंग हुआ था प्यारे दोस्तों आमिर खान का, वो राजा जी राजा हिंदुस्तानी ऑफ कोर्स शुरू हुआ था, जिसमें करिश्मा कपूर रहा था, और ये रहता तब परदेसी बाबू गाना नहीं गाता, तब करिश्मा कपूर चिल्ला के बोलता है अरे बड़ा दर्द, अरे यार बड़ा दर्द है तेरी आवाज मेरे छोरा, ऐसा करके बोलता है। तब वो राजा जिसमें से एक नृत्य कला भी होता है उसमें, पता ना ब्लैक करके कुछ डर के डांस आता है प्यारे दोस्तों, जिसमें वो हीरोनी बोलता है आमिर खान को बोलता है प्यारे दोस्तों। तब याद रखेगा प्यारे दोस्तों, जिम कार्बेट और फूलों की घाटी और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, आपके आते हैं कौन आते हैं प्यारे दोस्तों, हर फिर आता है हिमाचल प्रदेश आता है प्यारे दोस्तों, वही हिमाचल प्रदेश प्यारे दोस्तों, कौन प्यारे दोस्तों, वही हिमाचल प्रदेश प्यारे दोस्तों। वहाँ पे एक 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 वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत बनेगा, अभी तक नहीं पूछा गया है प्यारे दोस्तों, तो वो है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ है, वो है अन्य हिमाचल प्रदेश में, जिसमें प्रदेश लगा हुआ है, वैसे मध्य प्रदेश में नहीं मार देना। उसके बाद आता है हमारे प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमारे आता है प्यारे दोस्तों लद्दाख आता है प्यारे दोस्तों। लद्दाख में राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ एक है प्यारे दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए प्यारे दोस्तों, जितना स्टार लगाना आप लगा लीजिए, ये पूछ ही लेगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, ये लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, वो हमारे हैं लद्दाख में। और दूसरा हमारे हैं ऊपर में, इसके ऊपर जैसे जाते तब जम्मू कश्मीर, यस दोस्तों, जो हमेशा लड़ाई से घिरा हुआ रहता है प्यारे दोस्तों, बर्फ से घिरा हुआ रहता है प्यारे दोस्तों। वहाँ पर हमारे हैं एक तो है द चिंगम रॉ राष्ट्रीय उद्यान, द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ हमारे प्यारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे यहाँ आता है प्यारे दोस्तों हरियाणा, आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा प्यारे दोस्तों, अच्छा हरियाणा सपना चौधरी वाला हरियाणा, एक भाई साहब लिख रहे हैं कि सपना चौधरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भाई सपना चौधरी राष्ट्रीय उद्यान नहीं कहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा जो हमारे हैं कहाँ, हमारे हरियाणा जो हरियाणा में एक फिल्म की शूटिंग हुई थी प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं सलमान खान के प्यारे दोस्तों, सलमान खान के एक फिल्म शूटिंग हुई थी प्यारे दोस्तों, जिसका नाम था सुल्तान प्यारे दोस्तों, और वहाँ सुल्तानपुर एक राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्यारे दोस्तों मध्य प्रदेश आ जाती है प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश हमारे आए थे प्यारे दोस्तों, वहाँ भी दो राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश में दो है प्यारे दोस्तों, एक तो हमारे कान्हा और एक तो है पन्ना, कान्हा और पन्ना दो राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, ताकि इसको ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, कान्हा और पन्ना है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे आते हैं जो मध्य प्रदेश से अलग होके बना है प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ वहाँ पर दो उद्यान है प्यारे दोस्तों, इंदिरा इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और है गुरु खासी राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। तो दो राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, और गुरु खासी राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर होती है प्यारे दोस्तों, आप इसको जितना बार देख सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करो जो कि आपके एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने। तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से कंप्लीट करना है वहाँ से करो, किताब से करो, वीडियो से करो, जहाँ से करो, लेकिन इसको एक दिन में कंप्लीट कर दो, इसी में लगन मत रहो प्यारा दोस्तों। तो चलिए टिल देन बाय बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया प्यारा दोस्तों, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है प्यारे दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी और राजा जी जो कि उत्तराखंड में मौजूद है प्यारे दोस्तों। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान प्यारे दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों। और इससे राम गंगा नदी
और इस राम गंगा नदी बहती है प्यारे दोस्तों, इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछता है प्यारे दोस्तों तो उसका नाम है हेलो नेशनल पार्क है प्यारे दोस्तों। अच्छा आपसे अगर पूछता है कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा कहाँ है प्यारे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में प्यारे दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ दो राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, कान्हा और पन्ना है प्यारे दोस्तों। तो सबसे ज्यादा अगर पूछता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे दोस्तों, तो वो है मध्य प्रदेश में प्यारे दोस्तों। और इसके अलावा और है जो कि बनाया जाएगा प्यारे दोस्तों। अगर आपसे ये पूछता है प्यारे दोस्तों कि देश में सबसे ज्यादा वन्य अभयारण्य, इसमें सबसे ज्यादा वन्य अभयारण्य कहाँ है, तो वो है निकोबार में प्यारे दोस्तों, 94 यानी 94 है प्यारे दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है प्यारे दोस्तों, तो हिमिस है। हिमिस मैंने आपको कहाँ बताया था प्यारे दोस्तों, ये आप देख लीजिए, हिमिस 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 हिमिस, ये रहा आपके हिमिस है जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है आपके, वो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में प्यारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में प्यारे दोस्तों, लेह, लेह जम्मू कश्मीर में लेह जनपद में है प्यारे दोस्तों। उसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है प्यारे दोस्तों, वो है साउथ साउथ बटन, जो कि कहाँ है प्यारे दोस्तों, अंडमान निकोबार में है प्यारे दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था।